Once more! इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको 3 एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, तो इस 3 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, एलाइट मौसम, पिक्स आर्ट, फोटो रूम। एलाइट मौसम एंड फोटो रूम का पूर्व वर्सन लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो पिक्स आर्ट है इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना। इसके बाद जो पिक्स आर्ट है इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद इधर जो प्लस आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इधर से जो 3 नंबर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ पे हम 9 फोटो को सिलेक्ट करेंगे, तो आप लोग भी 9 फोटो को सिलेक्ट कर लेना इधर से 8 9, तो हमारा 9 फोटो सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद ऊपर में इधर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद इधर जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है क्लिक करेंगे तो आप लोग भी क्लिक कर लेना। इसके बाद थोड़ा इधर की तरफ आ जाएंगे, इधर आप लोग को हिस्टोरी मिलेगा तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो का कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसके बाद इधर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे इधर आप लोगों को फ्रेम मिलेगा, तो इस वाला जो फ्रेम है इस वाला फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो हमारा फ्रेम सिलेक्ट हो चुकी है, तो इस वाला जो फोटो है थोड़ा साइड की तरफ हो चुकी है, तो फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस वाला फोटो को मिडिल की तरफ कर लेंगे, तो आप आपके फोटो के हिसाब से कर लेना, सब फोटो को ठीक से एडजस्टमेंट कर लेना। इसके बाद इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर ऊपर में आप लोगों को डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इधर से हम बैक आ जाएंगे, फोटो रूम को ओपन कर लेंगे तो आप लोग भी ओपन कर लेना। इधर जो नीचे प्लस वाला ऑप्शन है स्टॉप फ्रॉम फोटो, इस वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से इधर गैलरी ओपन हो जाएगा। तो हम जिस फोटो से स्टेटस वीडियो क्रिएट करेंगे, जिस फोटो को हम बैकग्राउंड के आगे रखेंगे, इस वाला फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमारे जो फोटो का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो रहा है, तो एक्टिव ऐड करेंगे। सो गाइस, हमारे फोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुकी है, तो इधर से जो 3 नंबर का ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ऊपर में जो शेयर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटो है वो गैलरी में एड हो जाएगा। इसके बाद इधर से हम बैक आ जाएंगे, अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो आप लोग भी ओपन कर लेना। इसके बाद हम प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिलेगा, तो प्रोजेक्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, इस प्रोजेक्ट को आप अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर लेना। इसके बाद हम प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे तो आप लोग भी ओपन कर लेना। इधर हम प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, जिस फोटो को हम पिक्सआर्ट से सेव किया है इस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, फोटो को कुछ इस तरह करके ऊपर की तरफ कर लेंगे तो आप आपके फोटो के हिसाब से कर लेना ठीक से एडजस्टमेंट। इसके बाद वीडियो के एकदम सेंस पोजिशन तो को आ जाएंगे तो आप लोग भी आ जाना, इस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो भी वीडियो के एकदम सेंस पोजिशन तक को आ जाएगा। स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे, इस वाला फोटो के ऊपर क्लिक करके रखेंगे, इसको नीचे की तरफ कर लेंगे तो आप लोग भी नीचे की तरफ कर लेना, इसको सॉन्ग के ऊपर में आन के रखेंगे इस वाला जो फोटो है। ओके, तो हमारा फोटो सॉन्ग के ऊपर में आ चुकी है। इसके बाद वीडियो के एकदम फर्स्ट पोजिशन पर आ जाएंगे। ओके, इधर आपको 3 चॉइस आइकन मिलेगा, जो ऑफ मिलेगा तो इसको आप इनेबल कर लेना। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप लोग को 2 PNG मिलेगा, तो जिस PNG को आपको अच्छा लगे उस PNG को इधर से आप लोग सिलेक्ट कर लेना। और इस फोटो को चेंज करने के लिए इस वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना, कलर एंड फिल के ऊपर क्लिक करना, इस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना तो हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। तो फिर चेंज करने के लिए फोटो के ऊपर क्लिक करना, इस वाला प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना तो हमारा फोटो चेंज हो जाएगा। तो इधर से आप जिस वाला PNG को अच्छा लगे उस वाला PNG को ऐड कर लेना ठीक से। ओके, तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो वीडियो है बनके रेडी हो चुकी है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।